Hi guys, my name is Nitish and you're welcome to my YouTube channel. So we are continuing with our deep learning playlist. हमने last video में back propagation start किया था. वहाँ पे मैंने आपको the what parts के बारे में बताया था कि back propagation क्या होता है और थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया था कि वो कैसे काम करता है. अब आज की वीडियो में हम लोग the how part देखेंगे. मतलब हम दो डेटा सेट्स लेंगे, एक regression के डोमेन में और एक क्लासिफिकेशन के डोमेन में, और हम उस डेटा सेट के ऊपर अपना खुद का कोड चला के बैक प्रपोगेशन करेंगे. ठीक है, ये दोनों चीज़ों को देखने के बाद आपको थोड़ा और क्लैरिटी आएगा कि बैक प्रपोगेशन एग्जैक्टली बिहाइंड द सीन्स काम कैसे कर रहा है. ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको केराज में भी सेम कोड रन करके दिखाऊंगा सो दैट आप दोनों के बीच में एक कंपैरिजन कर पाओ. ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आए. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो गाइज, हम लोग पहले रिग्रेशन प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, जो भी आपने आखिरी वीडियो में देखा था, बैक प्रपोगेशन का जो पहला वीडियो मैंने बनाया था, वहाँ पे हमने जो भी सीखा था उसको हम इस डेटा सेट के ऊपर अप्लाई करेंगे. ठीक है, हमारा गोल है कि इस डेटा सेट के ऊपर, ये जो डेटा सेट है इसके ऊपर हम ये न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करेंगे. और हम जो ट्रेनिंग करेंगे वो केराज यूज़ करके नहीं करेंगे. वी विल नॉट यूज़ केराज, हम अपना खुद का कोड यूज़ करेंगे. जो भी हमने एल्गोरिदम बनाया था उसको हम लोग कोड में कन्वर्ट करेंगे और ट्रेन करेंगे अपने मॉडल को. ठीक है, तो डेटा सेट वही है यार जो हमने लास्ट क्लास में यूज़ किया था, लास्ट वीडियो में. बस यहाँ पे मैंने एक चेंज कर दिया, आईक्यू के बदले रेज्यूमे स्कोर डाल दिया. उसका रीज़न ये है कि आईक्यू जनरली होता है 80 से लेके 120, तो वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, और ये 0 से लेके 10 तक होता CGPA. तो जनरली बोला जाता है कि न्यूरल नेटवर्क्स में आपके जो इनपुट्स होने चाहिए वो सेम रेंज में होने चाहिए, तो ट्रेनिंग थोड़ा अच्छा होता है. अब ये सब क्यों होता है हम आगे पढ़ेंगे, बट फिलहाल मैंने इसीलिए आईक्यू को रिप्लेस कर दिया रेज्यूमे स्कोर से. आउटपुट कॉलम अभी भी सेम है, मेरे पास टोटल 4 स्टूडेंट्स का डेटा है. ठीक है, 4 ही स्टूडेंट्स को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि मुझे मैन्युअली ये कोड रन करके आपको दिखाना है. आर्किटेक्चर सेम है, यहाँ पर कुछ खास नहीं है. एक बार मैं फिर से समराइज़ कर देता हूँ बैक प्रपोगेशन एल्गोरिदम जो हमने लास्ट क्लास में बनाया था. सो हम क्या करेंगे, हमारे कोड को 5 बार रन करेंगे, एज इन 5 ईपॉक्स रन होगा. ठीक है, हर ईपॉक के अंदर हम ये काम करेंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है, तो क्या करना है हमें, हर ईपॉक के अंदर हमें एक एक करके, जैसे हमारे पास टोटल 4 स्टूडेंट्स हैं, हम एक एक करके चारों स्टूडेंट्स को उठाएंगे. ठीक है, चारों स्टूडेंट्स को उठाएंगे, बेसिकली अंदर वाला लूप 4 बार चलेगा. ठीक है, तो पहली बार आप पहले स्टूडेंट को उठाओगे. वैसे बाद में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो सिलेक्शन होता है स्टूडेंट्स का ये रैंडम होता है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसलिए मैंने यहाँ पे रैंडम वर्ड लिख दिया है. बट फिलहाल ऐसे सोचो कि हम पहली बार जब लूप में होंगे तो हम फर्स्ट स्टूडेंट को उठाएंगे, फिर हम क्या करेंगे उसके इनपुट्स को यूज़ करके फॉरवर्ड प्रोपोगेशन लगा के प्रिडिक्शन करेंगे. ठीक है, जो भी प्रिडिक्शन आएगा उससे हम अपना लॉस कैलकुलेट करेंगे यूजिंग मीन स्क्वायर एरर. ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, हमारे जो 9 वेट्स एंड बायसेस हैं इस आर्किटेक्चर में, इसमें देर आर 9 वेट्स एंड बायसेस, तो हम इन सब को अपडेट करेंगे यूजिंग दिस फार्मूला ग्रेडियंट डिसेंट. ठीक है, अब इसमें मैंने आपको बताया था कि बस ये वाली चीज़ कैलकुलेट करनी थी, हमने ये सारा लास्ट वीडियो में कैलकुलेट करके रखा है, सारे के सारे डेरिवेटिव्स का वैल्यू हमने कैलकुलेट करके रखा है. ठीक है, तो हम सारे वेट्स को अपडेट करेंगे, फिर हम सेकेंड स्टूडेंट के पास जाएंगे, उसके लिए भी सेम काम करेंगे, प्रिडिक्शन करेंगे, लॉस कैलकुलेट करेंगे. जैसे ही आपका एक ईपॉक ख़त्म हो जाएगा, मतलब आप एक बार चारों स्टूडेंट्स से मिल लिए, उसके बाद आप अंदर वाले लूप से बाहर आओगे और आप ये करोगे, आप एवरेज लॉस कैलकुलेट करोगे. एवरेज लॉस मतलब आपके चारों जो स्टूडेंट थे उन चारों का आपने लॉस निकाल लिया था, L1, L2, L3 और L4, उसको आप 4 से डिवाइड कर दोगे, वो आपका एवरेज लॉस हो जाएगा उस ईपॉक का. और इस तरीके से जितनी बार बाहर वाला लूप चलेगा उतनी बार आप एवरेज लॉस कैलकुलेट करोगे. तो आपको क्या दिखने लगेगा स्क्रीन पे, आपका आउटपुट कुछ ऐसा होगा कि ईपॉक 1 में लॉस था 5, ईपॉक 2 में लॉस था मान लो घट गया थोड़ा 4, ईपॉक 3 में और थोड़ा घट के 3. ठीक है, तो ये सारा एवरेज लॉस की बात हो रही है, चारों स्टूडेंट का मिला के जो लॉस है ये उस लॉस की बात हो रही है. ठीक है, तो सब कुछ हमने कर रखा है, हमारा सारा मैथ्स का फॉर्मुलेशन रेडी है. अब बस हमें क्या करना है,
इस पूरे डेटा सेट को हमें फीड कराना है हमारे कोड में। मैंने कोड लिख रखा है, मैं आपको नेक्स्ट वो दिखाता हूँ। सो गाइज, मैं आपको कोड स्क्रैच से समझाता हूँ। ये कोड पूरा लिखा हुआ है। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है शुरू में, बट मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ, ठीक है? तो शुरू में हमने यहाँ पे क्या किया है कि दोनों लाइब्रेरीज को इम्पोर्ट किया है, ओके? और अगली लाइन में अगर आप नोटिस करो तो मैंने अपना डेटा सेट क्रिएट किया है। मैंने एक पैंडास डेटा फ्रेम बनाया है जिसमें एग्जैक्टली वही चार स्टूडेंट्स का डेटा है। एक बार मैं आपको ये रन करके दिखाता हूँ, एंड यू कैन सी दिस इज द आउटपुट। सी, एग्जैक्टली यही डेटा मैंने आपको यहां पे दिखाया है, ठीक है? सेम डेटा। अब यहां से हम लोग कोड अपना डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो मैंने फंक्शन बाय फंक्शन कोड को डिवाइड कर रखा है। तो मेरा जो सबसे पहला फंक्शन है उसका नाम है इनिशियलाइज पैरामीटर्स, ठीक है? इसको इनपुट में आपको बस अपना आर्किटेक्चर भेजना है। जैसे हमारा आर्किटेक्चर क्या है, हमारा आर्किटेक्चर के हिसाब से हमारे इनपुट में दो नोड्स हैं, एज इन दो इनपुट्स मिल रहे हैं, बीच में दो है और यहाँ पर एक है। तो हमारा आर्किटेक्चर इनपुट हो जाएगा 2 2 1। जैसे ही आप इस फंक्शन को ये 2 2 1 का इनपुट दोगे, ये आपके लिए टोटल मिला के 9 वेट्स एंड बायसेस क्रिएट कर देगा और उनको एक वैल्यू भी प्रोवाइड कर देगा। वैल्यू क्या प्रोवाइड करेगा, फिलहाल के लिए मैंने वेट का वैल्यू लिया है 0.1 और बायस का वैल्यू लिया है 0। मैं रैंडम वैल्यूज भी ले सकता था, बट मैंने अपने 6 वेट्स का वैल्यू रखा है 0.1 और अपने 3 बायसेस का वैल्यू रखा है 0। लेट मी शो यू, मैं इस फंक्शन को रन करता हूँ और यूज करके दिखाता हूँ। सो ध्यान से देखना, जैसे ही मैं इस कोड को रन करूंगा, अब इसके अंदर का लॉजिक बहुत सिंपल है, मतलब आप एक बार जाके देख सकते हो, अभी समझा के टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आई विल कॉल दिस इनिशियलाइज पैरामीटर फंक्शन और यहाँ पे मैंने पास किया 2, 2, 1, ठीक है, जो मेरा आर्किटेक्चर है मेरे न्यूरल नेटवर्क का। एंड यू वुड सी कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसने चार अलग अलग एरेज बनाए हैं। ये एक एरे है, ये दूसरा एरे है, ये तीसरा एरे है और ये चौथा एरे है। नोटिस करना इसका स्ट्रक्चरिंग कैसा है। सो W1 क्या है, W1 ये चारों वेट्स का मैट्रिक्स है। सो W1 में अगर आप नोटिस करो कि चार नंबर्स हैं, बेसिकली इन चारों वेट्स का इनिशियलाइजेशन हो गया, ठीक है। W2 क्या है, इस लेयर में ये जो दोनों वेट्स हैं इनका वैल्यू यहां पर है, ठीक है। फिर B1 क्या है, B1 है इसका और इसका बायस, इसीलिए यहाँ पे दो नंबर्स हैं। और B2 क्या है, B2 है इसका बायस, इसीलिए इसमें एक नंबर है, ठीक है। तो ये इनिशियलाइज पैरामीटर फंक्शन क्या कर रहा है मेरे लिए, एक गिवन न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर के हिसाब से वेट्स और बायसेस को इनिशियलाइज करके मुझे दे रहा है। अब मैंने यहाँ पे वंस और जीरोज वाला फंक्शन यूज किया है NumPy का, मैं बहुत इजीली रैंडम भी यूज कर सकता था रैंडम इनिशियलाइजेशन के लिए। आई होप आपको ये वाला फंक्शन समझ में आ गया, ठीक है। अब मेरा अगला जो फंक्शन है उसका नाम है लीनियर फॉरवर्ड। लीनियर फॉरवर्ड का काम क्या है कि ये किसी भी गिवन न्यूरॉन का, किसी भी गिवन न्यूरॉन का आउटपुट कैलकुलेट करेगा, ठीक है। किसी भी गिवन न्यूरॉन का आउटपुट टोटल 5 चीजों पर डिपेंड करता है। पहला, उसमें जितने भी वेट्स आ रहे हैं, दूसरा जितने भी इनपुट्स उसको मिल रहे हैं, और तीसरा उसका खुद का बायस। टोटल मिला के 5 चीजें। जैसे अगर आप इसकी बात करो, 5 चीजें होंगी, इसका खुद का बायस, ये दोनों वेट्स, और इससे जो इनपुट मिल रहा है और इससे जो इनपुट मिल रहा है, मतलब इस नोड का जो आउटपुट होगा और इस नोड का जो आउटपुट होगा वो इसको एज इनपुट मिल रहा है, ठीक है। तो इसका लॉजिक बहुत सिंपल है, हमें प्रीवियस लेयर से जो भी मिल रहा है और जो वेट है और जो बायस है उसके बीच में बस सिंपली एनपी डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ W और A का, और उसमें बायस जोड़ के रिटर्न जेड कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये मेरा मेन फंक्शन है जो फॉरवर्ड प्रोपोगेशन करेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दिस इज द मेन फंक्शन जो मेरे लिए फॉरवर्ड प्रोपोगेशन करेगा, ठीक है। अब इसका लॉजिक आप देख सकते हो ये कैसे काम कर रहा है, बहुत ही सिंपल सा फंक्शन है, आप एक बार बैठ के कॉपी पेन लेके समझोगे समझ में आ जाएगा। बट मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम इसको यूज करके फॉरवर्ड प्रोपोगेशन करवाएंगे। तो मैं इस फंक्शन को भी रन कर रहा हूँ,
ठीक है, अब ध्यान से देखो मैं क्या करूंगा। हमारे एल्गोरिदम के हिसाब से अगर आपको याद होगा, हमें क्या करना है, ईपॉक के अंदर घुस के हर पॉइंट को उठाना है, और हर पॉइंट को उठाना है और उसके लिए प्रिडिक्शन करना है। तो इतना कोड मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं अपने पहले स्टूडेंट को उठाऊंगा, ठीक है, और उस पहले स्टूडेंट को इस फंक्शन के अंदर भेजूंगा, ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर मैं साथ ही साथ अपने पैरामीटर्स भेजूंगा, जो ये चीज है, ये पूरी चीज है, ठीक है, और ये दो इनपुट्स जैसे ही मिलेंगे, ये फंक्शन क्या करेगा, उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए, उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए प्रिडिक्शन करेगा, ठीक है। ये मैं करके दिखाता हूं आपको। तो गाइज ये देखो हमने क्या किया है, कि एक्स मेरा जो डेटा फ्रेम है उसमें से मैंने फर्स्ट वाले रो को निकाला है और उसको एक्स में स्टोर कर दिया है, और फिर मैंने फर्स्ट वाले रो का एल पी एज इन वाई वैल्यू निकाल के वाई में स्टोर कर दिया है। लेट मी क्विकली शो इट टू यू। सो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ एक्स को, तो ये मुझे देगा फर्स्ट वाले स्टूडेंट का इनपुट 8 और 8, और अगर मैं लिखूँ वाई तो ये मुझे देगा फर्स्ट वाले स्टूडेंट का आउटपुट वैल्यू, दैट इज 4, ठीक है। और थर्ड चीज हम क्या करेंगे कि पैरामीटर्स भी इनिशियलाइज कर लेंगे फिर से। मैंने ऑल्दो करके दिखाया था आपको, बट मैं फिर से कर रहा हूँ, ये मेरे पैरामीटर्स हैं, 9 वेट्स एंड बायसेस, ठीक है। अब मुझे बस क्या करना है कि मुझे इस ऊपर वाले फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है, इस फंक्शन को, और इसको दो इनपुट चाहिए हैं। पहला इनपुट क्या चाहिए है, एक्स बेसिकली इनपुट पहले स्टूडेंट का, और पैरामीटर्स का जो करेंट वैल्यू है। अब मैं इसको जैसे ही रन करूंगा, ध्यान से देखना क्या होगा, एरर आ गया। उसका रीजन ये है कि हमने ये वाला फंक्शन नहीं चलाया। एक बार इसको चला लेते हैं। सो हो क्या रहा है कि ये वाला फंक्शन इंटरनली इस फंक्शन को यूज कर रहा है, यू कैन सी, ठीक है, इसीलिए एरर आया। एक बार फिर से रन करते हैं एंड यू कैन सी दिस इज द आउटपुट, ठीक है। अब देखो समझना है यहाँ पे क्या हो रहा है। सो यहाँ पे एक ए का नोटेशन आपको दिखाई दे रहा होगा, A0, A1 और फाइनली आपको A2 दिखाई दे रहा होगा। मैं आपको बताता हूँ कि ये A1 A2 क्या है, ध्यान से देखना। सो जब आप पहले स्टूडेंट के डेटा को उठा रहे हो और इस न्यूरल नेटवर्क में फीड कर रहे हो इनपुट लेयर के थ्रू, तो वो A0 है बेसिकली। ये जो मेरा 8 और 8 का इनपुट है फर्स्ट स्टूडेंट के लिए, यही मेरा A0 है, ठीक है। अब इसके साथ ये वेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बायस दोनों ऐड हो रहे हैं, तो ये दो आउटपुट्स कैलकुलेट हो रहे हैं, O11 और O12, ये दो आउटपुट्स कैलकुलेट हो रहे हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ही मैं A1 बोल रहा हूँ, इनको आप एक्टिवेशन भी बोल सकते हो। तो ये है O11 और ये है O12, और फाइनली इस लेयर में इसका आउटपुट कैलकुलेट हो रहा है, जिसको आप O21 बोल सकते हो या वाई हैट बोल सकते हो, ये एक सिंगल नंबर है, ये है आपका A2। तो फाइनली हमारे केस में जो आउटपुट है वो A है, A2 है, जिसको आप O21 भी बोल रहे हो, ठीक है। सो नोटिस करना ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये सबसे पहले मुझे बता रहा है A0 क्या है। A0 वही है जो एक्स के अंदर था, जो एक्स के अंदर था उसी को आप A0 बोल रहे हो। फिर बोल रहा है कि W1 में ये थे वेट्स और B1 में ये था, ठीक है। इन तीनों चीजों को यूज करके उसने ये कैलकुलेट किया A1। सो अभी क्या है, इस वाले नोड का और इस वाले नोड का आउटपुट क्या है, 1.6, ठीक है। फिर उसने क्या किया, A1 को पकड़ा, W2 को पकड़ा और B2 को पकड़ा, और उससे उसने कैलकुलेट किया A2, और A2 क्या है आपका, जो आपका फाइनल आउटपुट है। तो पहले स्टूडेंट के लिए ये रहा मेरा प्रेडिक्शन कि उसका पैकेज लगेगा 0.32 लैक्स का, ठीक है। आई होप आपको यहां तक समझ में आ रहा है। ऑल्सो एक चीज याद रखना कि ये जो फंक्शन है ये दो चीजें रिटर्न कर रहा है। जब इस फंक्शन को आप कॉल कर रहे हो फॉरवर्ड प्रोपोगेशन को, तो ये दो चीजें मुझे रिटर्न कर रहा है। ये मुझे A2 रिटर्न कर रहा है, विच इज द फाइनल प्रिडिक्शन, और साथ ही साथ ये मुझे इन दोनों नोड्स का जो आउटपुट है, जिसको आप A1 में स्टोर करके बैठे हो, ये भी रिटर्न कर रहा है। मुझे ये दोनों चीजें चाहिए। क्यों चाहिए है? सोच के देखो। अगर आप ऊपर जाओ, यहां पर नोटिस करोगे आप कि आपको कुछ डेरिवेटिव्स को कैलकुलेट करने के लिए
वो प्रीवियस लेयर में जो आउटपुट आया था उसका वैल्यू चाहिए, इसीलिए मैंने इस फंक्शन में रिटर्न के टाइम पे ए प्रीवियस एज इन ए वन को भी रिटर्न मारा है। ठीक है, अब बस मुझे क्या करना है, इनको स्टोर कर लेना है। इनफैक्ट स्टोर नहीं भी करते हैं, इनफैक्ट लेट्स गो बैक टू द एल्गोरिदम, एल्गोरिदम पे जाते हैं। देखो हमने कितना कर लिया, हमने पहले स्टूडेंट को उठाया, ये वाला स्टेप हमने किया, उसके लिए प्रिडिक्शन किया, तो प्रिडिक्शन मुझे मिल गया, दिस इज द प्रिडिक्शन 0.32, ये मुझे मिल गया। अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे कैलकुलेट करना है लॉस। ठीक है, लॉस कैसे कैलकुलेट होगा, वाई माइनस वाई हैट का होल स्क्वायर। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, यहां पे मैं जा रहा हूं और लॉस कैलकुलेट कर रहा हूं, मैन्युअली कर रहा हूं, मैं कोड के थ्रू नहीं कर रहा। मेरा लॉस क्या होगा, मेरा लॉस होगा वाई एज इन ये जो डेटा में वाई है, माइनस 0.32 का स्क्वायर, और ये रहा मेरा लॉस फॉर द फर्स्ट स्टूडेंट। दिस इज द लॉस फॉर द फर्स्ट स्टूडेंट, हमने फर्स्ट स्टूडेंट के लिए ये लॉस कैलकुलेट किया, 13 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ये भी हो गया। अब बस मुझे क्या करना है, अब मुझे अपने सारे के सारे वेट्स और बायसेस को अपडेट करना है यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, यूजिंग दिस फॉर्मूला। और नोटिस करो, अब मैंने क्या किया है, एक और फंक्शन बनाया है जिसका नाम है अपडेट पैरामीटर्स, और ये देखने में थोड़ा डरावना लग रहा है, बट इसका काम बेसिकली है ये 9 ऑपरेशंस करना, ये 9 अपडेट्स लेना, दैट्स इट। इसीलिए अगर आप काउंट भी करो तो यहाँ पे टोटल 9 लाइंस का कोड है जो हर पैरामीटर को पकड़ रहा है। ये देखो हम क्या कर रहे हैं, हर पैरामीटर को पकड़ रहे हैं और उसको अपडेट कर रहे हैं, और अपडेट रूल क्या था, ओल्ड इक्वल टू सॉरी न्यू इक्वल टू ओल्ड माइनस, यहाँ पे प्लस इसलिए हो गया बिकॉज हमारे फॉर्मूले में जब हमने डेरिवेटिव्स कैलकुलेट किए थे सभी के आगे माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, और प्लस के आगे मेरा लर्निंग रेट मैंने रखा है 0.001, इस डेटा के ऊपर यही सबसे अच्छा रिजल्ट दे रहा था, और उसके आगे मैंने ये सेम चीज लिखी है। आप अगर बैठ के थोड़ा सा वीडियो पॉज करके देखो तो ये एग्जैक्टली वही चीज है जो यहाँ पे लिखी हुई है। देखो ये वेट के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई किया गया है, नोटिस करो, A1 क्या है, A1 इज बेसिकली यहां से जो आपका प्रीवियस लेयर का आउटपुट आ रहा है वही A1 है। ठीक है, और ये सारे फॉर्मूले मैंने बहुत आराम से तसल्ली से बैठ के लगाए हैं, हो सकता है कुछ मिस्टेक हो तो आप एक बार ये कोड देख लेना। ठीक है, ये बेसिकली मैंने इन्हीं 9 फॉर्मूलेस को यहाँ पे कोड में कन्वर्ट किया है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको कॉल करूंगा, इसको अपना काम करने के लिए चाहिए है सारे पैरामीटर्स। वाई वाई क्या है, वाई है आपका करंट जो स्टूडेंट है उसका एलपीए पैकेज डेटा के अंदर। वाई हैट क्या है, उसका प्रिडिक्शन, जैसे अभी वाले का प्रिडिक्शन आया था 0.32। फिर मुझे चाहिए A1, A1 क्या है, प्रीवियस लेयर, ये बेसिकली इन दोनों नोड्स का आउटपुट, इसका आउटपुट और इसका आउटपुट, ये दोनों चाहिए है, और साथ ही साथ मुझे चाहिए है एक्स मेरा डेटा। ठीक है, इतनी सारी चीजों की जरूरत यहां पर है। ठीक है, सो ध्यान से देखो मैं क्या करूंगा, मैं यहां से जो भी रिटर्न हो रहा है, दो चीजें रिटर्न हो रही हैं, एक रिटर्न हो रहा है वाई हैट विच इज द प्रिडिक्शन, और ये रिटर्न हो रहा है ए वन, तो मैं इनको यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ फॉर द फर्स्ट स्टूडेंट। देखो मैंने लिखा वाई हैट कॉमा A1 इज इक्वल टू दिस, रन किया। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये रहा मेरा वाई हैट, दिस इज वाई हैट। अब द प्रॉब्लम इज कि मुझे शायद ये चाहिए है नंबर के फॉर्म में, तो व्हाट आई विल डू इज आई वुड राइट इट लाइक दिस, 0 का 0। ठीक है, एक नंबर मिलेगा क्योंकि यहां पे मैंने इसको डायरेक्टली यूज किया है, डायरेक्टली यूज किया है, तो एक कोड लिख लेते हैं, वाई हैट इज इक्वल टू वाई हैट 0 का 0, और ये रहा मेरा A1 प्रीवियस लेयर का आउटपुट। ठीक है, ये सही फॉर्म में इसको ऐसे ही यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने मेट्रिक्स नोटेशन निकाल के चीजों को निकाला है। ठीक है, ओके,
So now we are ready. Now what we will do is, I will run update parameters. और मेरे पास सारी चीजें हैं, मेरे पास पैरामीटर्स हैं, मेरे पास वाई है पहले स्टूडेंट का, मेरे पास वाई हैट भी है पहले स्टूडेंट का, मेरे पास ए वन है प्रीवियस लेयर का आउटपुट, और मेरे पास एक्स तो है ही, ठीक है। अब जैसे ही मैं सोच के देखो इसको रिटर्न करूंगा, जैसे इस फंक्शन को कॉल करूंगा, ये पैरामीटर में चेंजेस कर देगा, ठीक है। नोटिस करना क्या होगा, जैसे ही मैं इसको रन कर रहा हूँ एरर आएगा, बिकॉज ऑब्वियसली हमने ये वाला कोड रन नहीं किया है। रन कर लिया और अब हमने इसको कॉल किया, ये देखो उसने सारे के सारे पैरामीटर्स को चेंज कर दिया। अब अगर मैं पैरामीटर्स को रन करूं दोबारा, तो ये रहे मेरे पैरामीटर्स, नोटिस करना चेंज हो गए। मेरे पहले लेयर वाले वेट्स 0.1 थे, अब वो चेंज होके कुछ और बन गए हैं। मेरे सेकेंड लेयर वाले वेट्स भी 0.1 थे, वो चेंज होके कुछ और बन गए हैं। मेरा B1 जीरो था, मेरा B2 भी जीरो था, और ये सब कुछ अब चेंज हो गया। सो हुआ क्या एग्जैक्टली, अगर हम वापस एल्गोरिदम में जाएं, तो हमने लॉस कैलकुलेट करने के बाद जैसे ही ये स्टेप लगाया, मेरे सारे के सारे वेट्स और बायसेस अपडेट हो गए। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसी लूप के अंदर अब दूसरे स्टूडेंट को उठाना है, दूसरे स्टूडेंट को उठाना है, और उसके लिए ये सेम स्टेप्स रिपीट करने हैं, ठीक है। सो देखो मैं क्या करूंगा, मैं वापस जाऊंगा और थोड़ा थोड़ा कोड कॉपी कर रहा हूं मैं। आई विल कॉपी दिस एंटायर कोड, आई विल कॉपी दिस एंटायर कोड, और आई विल गो डाउन इस जगह पे, और यहाँ पे मुझे पैरामीटर्स को फिर से इनिशियलाइज नहीं करना, ठीक है। और अब मुझे चाहिए है दूसरा स्टूडेंट, ये रहा दूसरा स्टूडेंट, ठीक है। हम फिर से कॉल करेंगे फॉरवर्ड प्रोपगेशन करने के लिए, इस स्टेप में मुझे वाई हैट मिल जाएगा सेकेंड स्टूडेंट का, ये देखो सेकेंड स्टूडेंट का वाई हैट ये है 0.50, ठीक है, ये सेकेंड स्टूडेंट का वाई हैट है। अब मैं क्या करूंगा, फिर से कॉल करूंगा अपडेट को, और ये सारे इनपुट्स हैं मेरे पास, पैरामीटर का करेंट वैल्यू है, वाई वाई हैट आ चुका है, और ए वन और एक्स भी आ चुका है, और इसको रन किया, हो गया रन। अब देखना पैरामीटर्स फिर से थोड़ा चेंज हो गया होगा, ये देखो पैरामीटर्स थोड़ा और चेंज हो गया, थोड़ा थोड़ा और चेंज हो रहा है, नोटिस करो ऊपर ये था, थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, ठीक है। ऐसा मुझे दो बार और करना है, सो व्हाट आई वुड डू इज यहीं पे आई विल डू द चेंजेस। अब मैं थर्ड स्टूडेंट को उठा रहा हूं, ये मेरा थर्ड स्टूडेंट है, और फिर से मैं फॉरवर्ड प्रोपगेशन कर रहा हूं, जो भी आउटपुट आ रहा है उसको यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ। ये देखो ये मेरा थर्ड स्टूडेंट के लिए प्रिडिक्शन है 0.60, ठीक है। हम लॉस भी कैलकुलेट कर सकते थे, मैं लॉस कैलकुलेट करना भूल गया। फिर से मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, नोटिस करना फिर से पैरामीटर्स चेंज हो जाएंगे, देखो पैरामीटर्स फिर से चेंज हो गए। अब मैं लास्ट स्टूडेंट को उठाऊंगा विच इज 3, और फिर से यहाँ पे पकड़ूंगा 3, फिर से रन करूंगा, ये मेरे चौथे स्टूडेंट के लिए प्रिडिक्शन है। फिर से अपडेट पैरामीटर्स को कॉल करूंगा, और पैरामीटर्स और चेंज होते जा रहे हैं, देखो पैरामीटर्स चेंज होते जा रहे हैं। सो इन शॉर्ट हमने एक बार आपके सामने ये डेमोन्स्ट्रेशन किया, अंदर वाला लूप पूरी चार बार चला, अंदर वाला लूप चार बार चला, ठीक है। बाहर वाला लूप अभी एक बार चला एक ईपॉक के लिए, बट आप ये सेम काम अब 5 बार रिपीट करोगे, पूरा काम 5 बार रिपीट करोगे तो 5 epochs हो जाएंगे, ठीक है। अब वो 5 epochs करने के बदले मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक सिंगल पीस ऑफ कोड लिखा है जो ये सारा काम एक साथ कर देगा। लेट मी शो यू, ये रहा epoch इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ मैं शुरू से कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने पैरामीटर्स इनिशलाइज किया, epochs मैंने 75 रखने की जरूरत नहीं है, फिलहाल 10 ही रख देते हैं, 10 क्या फिलहाल 5 ही रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो एक लूप चलाया फॉर आई इन रेंज ऑफ epochs, यहाँ पे मैंने एक लॉस फंक्शन, बेसिकली यहाँ पे मैं जब अंदर ही अंदर लॉस कैलकुलेट करूंगा इस जगह पे, और फिर मुझे एवरेज लॉस कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूंगा अंदर ही अंदर हर बार लिस्ट में चारों लॉस अपेंड कर दूंगा, और यहां पर आकर के उस लॉस के ऊपर एवरेज लगा दूंगा, ठीक है। सो ध्यान से देखना, ये रहा लॉस,
अब मैं अपने सारे के सारे डेटा के ऊपर लूप चला रहा हूँ, हर बार स्टूडेंट को उठा रहा हूँ जे जे करके, ठीक है, तो एक्स और वाई निकल रहा है। मैं फिर फॉरवर्ड प्रोपगेशन कर रहा हूँ, वाई हैट और ए वन मिल रहा है, वाई हैट एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, अपडेट पैरामीटर्स को कॉल कर रहा हूँ, साथ ही साथ लॉस निकाल रहा हूँ, लॉस ये रहा, और लॉस को लॉस में अपेंड करता जा रहा हूँ, और जैसे ही अंदर वाला लूप कंप्लीट होगा मैं बाहर निकल रहा हूँ और मैं लॉस के ऊपर मीन कैलकुलेट कर रहा हूँ, ताकि उस पर्टिकुलर ईपॉक में जितना भी लॉस हुआ है वो प्रिंट हो जाए, और सबसे एंड में दोनों लूप से बाहर निकल करके मैं पैरामीटर्स को प्रिंट कर रहा हूँ। दिस इज द कोड, सी ये देखो, ये 4 बार, ये कई बार चला होगा, 20 बार चला होगा टोटल मिला के। इनफैक्ट ये सब कुछ प्रिंट हो रहा है। मैं एक काम करता हूँ, ये जो मेरा फंक्शन है, ये जो फंक्शन है इसमें मैंने जानबूझ के चीजें प्रिंट कर रखी हैं, ये सारे प्रिंट स्टेटमेंट्स को मैं कमेंट आउट कर दे रहा हूँ, ये आपको दिखाने के लिए था, ये सब कुछ को मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ ताकि इतना ज्यादा बड़ा आउटपुट ना आए, ठीक है। इसको फिर से रन किया, नीचे जा रहे हैं, नीचे जाके ईपॉक इम्प्लीमेंटेशन ये रहा, इस कोड को रन किया, दिस इज द आउटपुट। ये देखो गाइस, जब पहली बार आप पांच चारों पॉइंट्स के ऊपर घूमे तो आपका एवरेज लॉस था 25 का, जब आप दूसरी बार घूमे तो अब तक पैरामीटर्स इस तरीके से एडजस्ट हो चुके थे कि लॉस रिड्यूस होके 18 पे आ गया, तीसरी बार लॉस और रिड्यूस होके 9.47 पे आ गया, पांचवी बार 3 पे आ गया और 1.3 पे लास्ट पे रुका, ठीक है। और फाइनली सारा काम करने के बाद जब मैंने अपने वेट्स और बायसेस को प्रिंट किया, ये देखो 0.1 से स्टार्ट हुए थे और कहाँ पहुंच गए, ठीक है। सो दिस इज द डेमोन्स्ट्रेशन। अब बस एक लास्ट काम करेंगे, ये सेम कोड मैं आपको केरास में लिख के दिखाऊंगा, जहां पे हम केरास लाइब्रेरी यूज करके सेम डेटा के ऊपर देखेंगे कि आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है। सो लेट मी शो यू दैट। सो गाइस, दिस इज द केरास कोड, इसको भी रन कर लेते हैं एक बार। सब कुछ सेम है, सेम डेटा फ्रेम मैंने यहाँ पे भी बनाया है, ये रहा हमारा डेटा फ्रेम, यहाँ पे हमने सारी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट किया है, और यहाँ पर मैंने क्या किया है, सेम आर्किटेक्चर का हमारा न्यूरल नेटवर्क बनाया है। इनपुट लेयर है, हिडन में 2 यूनिट्स हैं, सबका एक्टिवेशन लीनियर है, ठीक है। ये हमने रन कर लिया, ये रहा मेरा मॉडल का समरी, देर आर टोटल 9 ट्रेनेबल पैरामीटर्स, 6 वेट्स हैं, 2 बायसेस हैं। अब यहाँ पे देखना, केरास क्या करता है कि केरास रैंडमली वेट्स इनिशियलाइज करता है, ठीक है। तो मैं इसको सिमिलर बनाने के लिए क्या कर रहा हूँ, हमने जो मॉडल बनाया उससे सिमिलर बनाने के लिए मैंने क्या किया, पहले मॉडल के मैंने सारे वेट्स को निकाला यूजिंग गेट वेट्स। तो ये देखो, ये वेट्स में सारे के सारे वेट्स दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरे यहाँ पे थे, ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से। अब मैंने क्या किया, एक न्यू वेट्स बोल करके एरे बनाया, जिसमें मैंने क्या किया, सारे वेट्स को 0.1 दिया, सारे बायसेस को 0 दिया, ठीक है। और फिर मैंने केरास का सेट वेट्स फंक्शन को कॉल करके न्यू वेट सेट कर दिए। तो इसके बाद अब क्या है, केरास का जो मॉडल है उसका भी इनिशियल वेट्स बिल्कुल मेरे जैसा ही है, ये बस मैंने सिमिलर चीज दिखाने के लिए किया, ठीक है। अब मैंने आगे क्या किया, मैंने ऑप्टिमाइजर में जाकर के लर्निंग रेट सेट कर दिया 0.001, बिकॉज मेरे केस में भी 0.001 है, ठीक है। और इतना करने के बाद मीन स्क्वायर्ड एरर निकाला और फाइनली मैंने मॉडल को फिट कर दिया। यहाँ पे समहाउ, मतलब मोस्ट लाइकली ऑप्टिमाइजर अलग यूज हुआ है, इसलिए केरास को कन्वर्ज करने में 75 ईपॉक्स लगे, ठीक है। देखना यहाँ पे मैं इसको रन कर रहा हूँ, सी मॉडल ट्रेन हो गया और ये रहा मेरा लॉस अराउंड 1.47, हमारा लॉस थोड़ा और कम था, हमारा लॉस 1.34 के अराउंड था। अब मैंने फिर से क्या किया, मॉडल डॉट गेट वेट्स को किया और ये रहा केराज ने जो चेंजेस किए हमारे वेट्स में, ठीक है। तो यू कैन सी जो भी काम हम केरास में करते हैं वो सेम काम अपने अपना कोड लगा करके किया, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो एल्गोरिदम हमने सीखा था इसको प्रैक्टिकली कोड में कन्वर्ट किया, ठीक है, और ये हमने एक रिग्रेशन प्रॉब्लम के लिए किया। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ये सेम काम रिपीट करेंगे फॉर अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, उससे क्या होगा, हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ा सा और सॉलिड हो जाएगा। सो चलो गाइस, हमने एक रिग्रेशन एग्जांपल देख लिया स्टेप बाय स्टेप।
अब हम लोग एक क्लासिफिकेशन एग्जांपल देखेंगे, ठीक है? सब कुछ बहुत सिमिलर रहने वाला है, बट मैं आपको क्लासिफिकेशन का फ्लेवर देना चाहता हूँ। देखो, हमने सेम डेटा सेट में थोड़े से चेंजेस किए और हमने एक नया डेटा सेट बना दिया। ये डेटा सेट क्लासिफिकेशन के लिए, यहाँ पे आपके पास इनपुट में CGPA है, स्टूडेंट का प्रोफाइल स्कोर है और प्लेसमेंट हुआ या नहीं 1 या 0 के फॉर्म में, ठीक है? एंड गेस व्हाट, मैंने न्यूरल नेटवर्क का जो आर्किटेक्चर है वो भी बिल्कुल सेम रखा है। हमारे पास 3 लेयर्स हैं, इनपुट, हिडन और आउटपुट। इनपुट में 2 हैं, हिडन में भी 2 हैं और आउटपुट में 1 है, ठीक है? अब बस यहाँ पे एक जो बहुत बड़ा चेंज है वो ये है कि ऊपर वाले एग्जांपल में, रिग्रेशन वाले एग्जांपल में, मेरा जो एक्टिवेशन फंक्शन था तीनों ही नोड्स में वो था लीनियर। बट सिंस ये क्लासिफिकेशन एग्जांपल है, यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है कि तीनों में, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, तीनों में सिग्मॉइड लिया है। इस सिग्मॉइड के आने से थोड़े से चेंजेस होंगे, ठीक है? ऑल्सो यहाँ पे आपका जो लॉस फंक्शन है वो है बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी, ओके? तो यहाँ पर देखो, फॉरवर्ड प्रोपोगेशन जब होता है, नोटिस करना, यहाँ पे मान लो आप इनपुट में कुछ देते हो, आपके इनिशियल वेट्स मान लो 0.1 है, यहाँ भी 0.1 है, ये चारों वेट्स 0.1 है, ये भी 0.1 है, बायस 0 है। तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि जैसे इस नोड पे आउटपुट कैसे कैलकुलेट होगा। मान लो पहले स्टूडेंट के लिए 8 और 8 का इनपुट है, तो आपका आउटपुट कैलकुलेट होगा, जेड निकालोगे पहले, जेड क्या होगा, 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस 0, ये जेड हो गया। अब बस आप इसको सिग्मोइड में पास कर दोगे और यही आपका O11 होगा इसका आउटपुट, ठीक है? तो यहाँ पे बस ये एक्स्ट्रा स्टेप आ रहा है, जेड निकालने के बाद आप उसको सिग्मोइड फंक्शन में भेजोगे और जो आएगा वो आपका आउटपुट है। ये आपको एक्स्ट्रा स्टेप यहाँ पे करना है, ठीक है? इस सिग्मोइड के आ जाने से यही चेंज हुआ, ठीक है? और आपका लॉस फंक्शन चेंज हो गया, पहले वो वाई माइनस वाई हैट का होल स्क्वायर था, अब वो ये है, ठीक है? तो ये 2 चेंजेस हो रहे हैं क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में। बैक प्रोपगेशन एल्गोरिदम बिल्कुल सेम रहेगा, आप नंबर ऑफ ईपॉक्स के लिए स्टार्ट करोगे, ईपॉक्स के अंदर आप घुसोगे, अंदर वाला लूप आप उतनी बार चलाओगे जितने आपके डेटा में रोज हैं, अंदर आप या तो रैंडमली पॉइंट्स को उठा सकते हो या फिर 1 बाय 1 भी उठा सकते हो, हम अभी 1 बाय 1 वाला अप्रोच यूज़ कर रहे हैं। हर पॉइंट एज इन हर स्टूडेंट के लिए आप फॉरवर्ड प्रोपगेशन करके उसका प्लेसमेंट होगा या नहीं ये प्रिडिक्ट करोगे और फिर आप उसका लॉस कैलकुलेट करोगे। यहाँ पे MSE ना हो करके बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी होगा, ठीक है? उसके बाद आप क्या करोगे, ये रहा आपका मेन स्टेप जहाँ पे आप अपने 9 वेट्स एंड बायसेस को अपडेट करोगे यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है? अब बस प्रॉब्लम क्या है कि ये सारे डेरिवेटिव्स अभी हमने कैलकुलेट नहीं किए हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक करके ये सारे डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे, जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में करके दिखाया था रिग्रेशन के लिए। तो वही हमारा अब अगला काम है, मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ। अच्छी बात यह है कि सिंस आप ऑलरेडी एक बार कर चुके हो, उतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा, ठीक है? सो ध्यान से देखना, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मान लो ये मेरा न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर है, दिस इज द न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर। हम सबसे पहले यहाँ पे मेरा वाई हैट आ रहा है जो फिर लॉस फंक्शन में घुस रहा है। मैं सबसे पहले ये वेट और इसका बायस, इन तीनों का डेरिवेटिव कैलकुलेट करूँगा विथ रिस्पेक्ट टू लॉस फंक्शन, ठीक है? मैं यहाँ पे लॉस फंक्शन को फिर से लिख दे रहा हूँ। लॉस फंक्शन इज माइनस वाई लॉग ऑफ वाई हैट माइनस 1 माइनस वाई लॉग ऑफ 1 माइनस वाई हैट, ठीक है? अब देखो, हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे डेल ऑफ एल विथ रिस्पेक्ट टू दिस वेट, ठीक है? अब हमारा लॉजिक आपको याद होगा, हम कैसे निकाल रहे थे कि अगर आपको एल में चेंजेस करने हैं तो उसके लिए आपको ऑब्वियसली वाई में, वाई हैट में चेंजेस करने पड़ेंगे। अब वाई हैट है क्या, वाई हैट इज बेसिकली सिग्मोइड ऑफ जेड, ठीक है? और जेड जो इस नोड का जेड है उसका सिग्मोइड, ठीक है? तो वाई हैट इन टर्न विल डिपेंड ऑन जेड, जेड फाइनल बोल लेते हैं इसको क्योंकि ये फाइनल आखिरी नोड का है, ठीक है? नाउ दिस जेड फाइनल इज, ये जेड फाइनल क्या है, ये बेसिकली है यहाँ पे लीनियर सम, लीनियर कॉम्बिनेशन W211 मल्टीप्लाइड बाय इसका आउटपुट O11 प्लस W2 ये वाला वेट
टू वन, इसका आउटपुट ओ वन टू प्लस इसका खुद का बायस बी टू वन, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखो हम सिर्फ इस वेट के बेसिस पे निकाल रहे हैं, तो जेड फाइनल डिपेंड करता है फिर डब्लू टू वन वन पे। तो अगर आप इसमें थोड़ा सा चेंज करोगे तो जेड में चेंज होगा, जेड में चेंज करने से वाई हैट में चेंज होगा, और वाई हैट से चेंज करने पे एल में चेंज होगा। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो इस पूरी चीज़ को ब्रेक डाउन करके लिख सकता हूँ लाइक दिस। ठीक है, इसका मतलब अगर मुझे इसको कैलकुलेट करना है उसके लिए मुझे ये तीन चीज़ें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। सिमिलरली एक काम करते हैं, ये भी लिख ही लेते हैं, इस वेट के हिसाब से डेरिवेटिव क्या होगा, इस हिसाब से क्या होगा, सेम पाथ फॉलो होगा, यहाँ पे बस लास्ट में क्या आ जाएगा डब्लू टू टू वन। तो सब कुछ सेम रहेगा, पहला दोनों डेरिवेटिव्स बिल्कुल सेम रहेगा, बस यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा डब्लू टू टू वन। और फिर इस बायस के हिसाब से अगर आप देखो तो फिर सब कुछ सेम रहेगा, पहला दो बस यहाँ पे आ जाएगा बायस टू वन। तो अब हमें क्या करना है, अच्छी बात यह है कि ये कॉमन है, इतना तीनों में ही कॉमन है, ठीक है। तो हमें ये दो निकालने हैं और ये तीन निकालने हैं, तो टोटल हमें पांच डेरिवेटिव्स निकालने से हमारा तीन का काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलो फोकस करते हैं, सबसे पहले हम निकालेंगे डेरिवेटिव ऑफ एल विथ रिस्पेक्ट टू वाई हैट। सो बेसिकली मुझे निकालना है ये, सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं होगा, यहाँ पे होगा वाई हैट माइनस वन माइनस वाई, यहाँ पे होगा लॉग वन माइनस वाई हैट, ठीक है। इस चीज़ का मुझे डेरिवेटिव निकालना है, देखो बहुत सिंपल है, पहले हम इस टर्म को डिराइव करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे आई एम सॉरी। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस वाई डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ दिस वुड बी वाई हैट माइनस वन माइनस वाई, इस पूरे टर्म का डेरिवेटिव हो जाएगा वन माइनस वाई हैट। फिर आप इस अंदर वाले टर्म को डिफरेंशिएट करोगे तो ये नेगेटिव बाहर आ जाएगा और प्लस आ जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करो तो दिस वुड बिकम माइनस वाई वन माइनस वाई हैट प्लस वाई हैट टाइम्स वन माइनस वाई, और नीचे y हैट वन माइनस वाई हैट। अगर आप इसको पूरा मल्टीप्लाई कर दो माइनस y प्लस वाई वाई हैट प्लस वाई हैट माइनस वाई वाई हैट डिवाइडेड बाय y हैट वन माइनस वाई हैट, ठीक है। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास बचेगा माइनस y माइनस वाई हैट डिवाइडेड बाय वाई हैट वन माइनस वाई हैट। तो इसका डेरिवेटिव ये है, देख सकते हो आप। तो गाइज ये वाला तो हमने निकाल दिया, अब हम ये वाला निकालेंगे, ठीक है। ये वाला निकालना भी बहुत इजी है, हम नीचे जाएंगे और ये कोड लिखेंगे, कोड नहीं आई एम सॉरी, ये एक्सप्रेशन लिखेंगे और बेसिकली हमें सॉल्व करना है ये हमें सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि y हैट इज नथिंग बट सिग्मॉइड ऑफ z। अब अगर आपको पता होगा तो सिग्मॉइड का डेरिवेटिव होता है सिग्मॉइड मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस सिग्मॉइड, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये बन जाएगा सिग्मॉइड वन माइनस सिग्मॉइड, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको रिप्लेस कर दूंगा विथ वाई हैट, तो दिस वुड बिकम वाई हैट टाइम्स वाई माइनस वाई हैट, ठीक है। तो अब हमने इसका भी निकाल लिया,
अब अच्छी बात क्या है कि आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब नोटिस करो कि जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, मैं लिखता हूँ आपके सामने, देखना। डेल एल डेल वाई हैट हमारा आया था ये, माइनस वाई हैट टाइम्स वन माइनस वाई हैट, और ये हमारा आया है ये वाई हैट वन माइनस वाई हैट। अब नोटिस करो हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तीनों ही इक्वेशंस में, तो जब आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो दिस वुड बिकम मल्टीप्लाइड बाय वाई, डेल जेड वुड बिकम माइनस वाई माइनस वाई हैट वन माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय वाई हैट वन माइनस वाई हैट, ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से मुझे मिलेगा माइनस वाई टाइम्स वाई हैट। ठीक है, तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ हो गई कि इन दोनों टर्म्स का जो मल्टीप्लिकेशन है, इन दोनों टर्म्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो एक बहुत ही सिंपल टर्म है और वो है माइनस वाई माइनस वाई हैट। ठीक है, अब बस हमें क्या करना है, ये तीनों टर्म्स निकालने हैं। ये तीनों टर्म्स भी बहुत सिंपल है, नोटिस करना। हमारा जेड क्या है इस पॉइंट पे, हमारा जेड इज डब्लू टू वन वन ओ वन वन प्लस डब्लू टू टू वन ओ वन टू प्लस बी टू वन। अब आप जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू डब्लू टू वन वन तो मिलेगा आपको ओ वन वन, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इसका वैल्यू होगा ओ वन वन, और जब आप इसके रिस्पेक्ट में करोगे तो वैल्यू होगा ओ वन टू, और जब आप इसके रिस्पेक्ट में करोगे तो सिंस कोई टर्म नहीं है यहाँ पे आंसर होगा वन। इसका मतलब आई कैन कम डाउन एंड आई कैन राइट दिस एक्सप्रेशन, ध्यान से देखना, आई कैन राइट दिस, दिस वुड बिकम माइनस वाई वाई हैट टाइम्स ओ वन वन, ये रहा इसका डिफ्रेंसिएशन, इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा माइनस वाई हैट ओ वन टू, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस वाई हैट, और आगे कुछ नहीं होगा, ये हमने इन तीनों का निकाल लिया। ठीक है, अगर आप चाहो तो इन एक्सप्रेशंस को रिग्रेशन वाले एक्सप्रेशन से कंपेयर कर सकते हो, यू वुड सी कि वहाँ पर देखो ये आया था वहाँ पे, कंपेयर करके देखो, बस ये माइनस टू नहीं है, यहाँ पे माइनस वन है। सी दिस इज द ओनली डिफरेंस, आप कंपेयर करके देख सकते हो। अब हम निकालेंगे इन तीन का डेरिवेटिव, इस वाले वेट का और इस वाले बायस का। ठीक है, तो रास्ता देखना कैसा फॉलो होगा, यहाँ पे लॉस है, यहाँ पे वाई हैट है, वाई हैट डिपेंड करेगा इससे जो जेड मिलेगा, जेड डिपेंड करेगा इससे जो आउटपुट मिलेगा, और इसका आउटपुट अब बाकी पीछे डिपेंड करता है। ठीक है, तो बेसिकली हमें तीन चीज़ें कैलकुलेट करनी है, हमें कैलकुलेट करना है ये दिस वेट, हमें कैलकुलेट करना है दिस वेट, और हमें कैलकुलेट करना है दिस बायस। ठीक है, एक एक करके करते हैं, लेट्स फोकस ऑन दिस वेट, इस वेट का कनेक्शन कैसा रहेगा देखना एक बार। सो लॉस डिपेंड करेगा वाई हैट पे, वाई हैट डिपेंड करेगा जेड इस नोड के, इसको हम बोलते हैं जेड फाइनल पे, जेड फाइनल डिपेंड करेगा इस आउटपुट पे, ये आउटपुट डिपेंड करेगा जेड प्रीवियस पे, इस नोड में जो जेड कैलकुलेट होगा, और ये जेड डिपेंड करेगा डब्लू वन 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 पे। ठीक है, तो अगर आप इसको लिखना चाहो तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा, डेल एल डेल वाई हैट डेल जेड एफ डेल ओ वन वन डेल ओ वन वन डेल जेड प्रीवियस
डेल जेड प्रीवियस डेल डब्लू वन वन। अब डरने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी बात क्या है, ये दोनों तो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, ये दोनों हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। इसका आंसर भी हमें पता है, माइनस वाई माइनस वाई हैट होता है, ये आंसर हमें ऑलरेडी पता है। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन, जेड फाइनल ओ वन वन के साथ क्या रिलेशनशिप है। देखो जेड फाइनल क्या है, जेड फाइनल है डब्लू टू वन वन, ये वाला वेट टाइम्स ओ वन वन इसका आउटपुट, प्लस डब्लू टू टू वन ये वाला वेट इसका आउटपुट ओ वन टू प्लस ये वाला बायस। ठीक है, अब जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू ओ वन वन तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ये वाला वेट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका आउटपुट होगा डब्लू टू वन वन। ठीक है, अब इस पे फोकस करते हैं। ओ वन वन क्या है, ओ वन वन को आप लिख सकते हो सिग्मोइड ऑफ जेड प्रीवियस, यहाँ पे जो जेड का वैल्यू है उसका सिग्मोइड, तो ये क्या बन जाएगा, जेड प्रीवियस वन माइनस सिग्मोइड ऑफ जेड प्रीवियस, राइट। अब इसी को आप क्या लिख सकते हो, इसी को आप लिख सकते हो जेड प्रीवियस को ओ वन वन मल्टीप्लाइड बाय ओ वन वन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओ वन 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 माइनस ओ वन वन। ठीक है, अब बस ये आखिरी वाला बचा जहाँ पे आपको निकालना है कि z प्रीवियस को जब आप w21 से करोगे तो देखो z प्रीवियस क्या है, z प्रीवियस है यहाँ पे z का वैल्यू, तो ये कैसे निकलेगा, w1 वन वन ये वाला वेट मल्टीप्लाइड बाय ये वाला इनपुट x i1 प्लस ये वाला वेट w1 टू वन मल्टीप्लाइड बाय ये वाला इनपुट और इसका खुद का बायस। अब जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू ये वाला वेट तो आउटपुट में क्या बचेगा, बस ये बचेगा, तो इसका इनपुट हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा एक्स आई वन। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस पूरी चीज़ को यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये हो जाएगा माइनस वाई माइनस वाई हैट डब्लू टू वन वन मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट वन वन माइनस ओ वन वन एक्स आई वन। ठीक है, अब अगर आप आगे वाला निकालो, इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूँ, अगर आप अगले वाला निकालो मतलब इस वाले वेट के रिस्पेक्ट में, तो आपको समझ में आएगा कि सिर्फ आखिरी वाला चीज़ चेंज होगा। ठीक है, सिर्फ आखिरी वाला चीज़ चेंज होगा और आप इस वेट के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालोगे तो एक्स आई टू आ जाएगा। तो आप बहुत इजीली यहाँ पे लिख सकते हो, सब कुछ सेम रहेगा, ये वेट भी सेम रहेगा, ये आउटपुट वाला भी सेम रहेगा, बस लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा एक्स आई टू। ठीक है, और लास्टली आप जब बायस वाला निकालने जाओगे सब कुछ सेम रहेगा, बस आखिरी वाले में वन आ जाएगा। ये सारा आप खुद से कॉपी पेन लेकर के एक बार करोगे तो थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, स्क्रीन पे थोड़ा सा डरावना लग रहा है बट इतना है नहीं, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली पैटर्न्स खोजने लग जाएगा। ठीक है, तो हमने इन तीनों के रिस्पेक्ट में भी निकाल लिया। अब हम निकालेंगे ये जो बचे हुए तीन है, ये वाले वेट के रिस्पेक्ट में, ये वाले वेट के रिस्पेक्ट में और इसके बायस के रिस्पेक्ट में। सो बेसिकली मुझे तीन चीज़ें निकालनी है, मुझे निकालना है W1 1 2 W1 2 2 एंड दिस वन, ये तीन चीज़ें मुझे निकालनी है। ठीक है, पहले इसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, देखो पूरा रिलेशनशिप कैसा रहेगा। लॉस डिपेंड करेगा वाई हैट पे, वाई हैट डिपेंड करेगा जेड फाइनल पे, जेड फाइनल डिपेंड करेगा इसके आउटपुट पे ओ वन टू पे, ओ वन टू डिपेंड करेगा जेड प्रीवियस पे और जेड प्रीवियस डिपेंड करेगा
डब्लू वन वन टू पे। तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो आई वुड राइट दिस इज इक्वल टू डेल एल डेल वाई हैट मल्टीप्लाइड बाय डेल वाई हैट डेल जेड एफ मल्टीप्लाइड बाय डेल जेड एफ डेल ओ वन टू मल्टीप्लाइड बाय डेल ओ वन टू जेड प्रीवियस मल्टीप्लाइड बाय प्रीवियस डब्लू वन वन टू। अब खुशी की बात ये है कि ये हमने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, ठीक है। ऑल्सो इसको कैलकुलेट करना बहुत ईजी है बिकॉज मैंने आपको पहले भी बताया z फाइनल क्या है। z फाइनल है w1 सॉरी w2 वन वन टाइम्स o11 ये वेट और इसका आउटपुट प्लस w2 टू वन टाइम्स o11 ये वाला वेट और इसका आउटपुट प्लस इस नोड का बायस b21। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू ओ सॉरी यहाँ पे ओ वन टू आएगा ओ वन टू जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको ये वेट मिलेगा। तो इसका तो आउटपुट ये आ जाएगा डब्लू टू टू वन जैसे यहाँ पे ये था, ठीक है। ऑल्सो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे जैसे आपने यहाँ पे किया था ओ वन वन को डिफ्रेंशिएट किया था तो जिस तरीके से आपको ये टर्म मिला था बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे आपको ये टर्म मिल जाएगा, ठीक है। और इस लास्ट वाले से आपको मिलेगा देखना आप आई एम सॉरी मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, हम इसको नहीं यूज़ कर रहे हैं हम इसको यूज़ कर रहे हैं, मैंने गलत लिखा है यहाँ पे मैंने सही लिखा है दिस इज़ वन टू दिस इज़ डब्लू वन वन टू एंड दिस इज़ डब्लू वन टू टू यहाँ पे मैंने सही लिखा है, यहाँ पे मैंने गलत ड्रॉ किया था आई एम सॉरी, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो इसके रिस्पेक्ट में जब आप जेड पी को करोगे तो यहाँ पे एक्स आई वन आपको मिल जाएगा तो इसका आउटपुट आ जाएगा एक्स आई वन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि डेल एल डब्लू वन वन टू वुड बी माइनस टाइम्स वाई माइनस वाई हैट टाइम्स डब्लू टू टू वन ओ वन टू वन माइनस ओ वन टू मल्टीप्लाइड बाय एक्स आई वन, ठीक है। अब अगर आप सेम तरीके से जाओ ये निकाल लें डब्लू वन टू टू तो सब कुछ सेम रहेगा, ये पूरी चीज़ सेम रहेगी, बस यहाँ पे एक्स आई वन के बदले आ जाएगा एक्स आई टू। और अगर आप वाईएस के लिए निकालने जाओगे तो यहाँ पे सब कुछ सेम यहाँ पे कुछ नहीं आएगा वन रहेगा, ये रहा आपका बाकी का बचा हुआ तीन और डेरिवेटिव्स, दिस इज ऑल कैलकुलेटेड, ठीक है। ये हो गए तीन, ये हो गए तीन और ये भी हो गए अपने कहाँ गए यार ये भी हो गए अपने तीन, ठीक है। तो हमारे ये जो बैक प्रोपोगेशन का एल्गोरिदम था इसमें अब मुझे ये वाली चीज़ मिल गई है, नाइन के नाइन डेरिवेटिव्स मैंने निकाल लिए हैं। अब बस मुझे क्या करना है इस एल्गोरिदम को फिर से मैं कोड में कन्वर्ट करूँगा और मैं आपको निकाल के दिखाऊँगा, ठीक है। तो अब हम लोग मूव करते हैं कोडिंग विंडो पर। सो गाइस कोड मैंने ऑलरेडी लिख रखा है मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। बिल्कुल सेम कोड है जो हमने रिग्रेशन के लिए लिखा था, बस उसमें एक छोटा सा चेंज कर दिया है, दो चेंजेस किए हैं, पहला एक्टिवेशन फंक्शन के हिसाब से और दूसरा लॉस फंक्शन के हिसाब से। एक बार ध्यान से देखना, इंपोर्ट कर रहे हैं सब कुछ, ये मेरा डेटा सेट है एग्जैक्टली वही जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया है, ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी वो सेम फंक्शंस हैं, ये है इनिशियलाइज पैरामीटर जो एक गिवन आर्किटेक्चर के हिसाब से आपको 0.1 का इनिशियलाइजेशन देगा सारे वेट्स को और 0 का इनिशियलाइजेशन देगा फॉर ऑल द बायसेस, ठीक है। यहाँ पर बस एक यूटिलिटी फंक्शन बनाया मैंने सिग्मोइड बोल के, जिसको अगर आप जेड देते हो तो वो आपको उसके ऊपर सिग्मोइड कैलकुलेट करके देता है 1 + 1 / e^(-z), ठीक है, ये रिटर्न करता है। अब यहाँ पे भी आपके पास यही फंक्शन है,
इस फंक्शन में और इस फंक्शन में ज्यादा का डिफरेंस नहीं है. इफ यू थिंक सी ये जो लीनियर फॉरवर्ड है, यहाँ पे बस आप डॉट प्रोडक्ट करके उसको रिटर्न कर दे रहे थे, बट यहाँ पे आप डॉट प्रोडक्ट करने के बाद उसको सिग्मोइड में भेज रहे हो. तो दिस इज द डिफरेंस. बाकी अगला जो मेन फंक्शन है जो यहाँ पे था, बिल्कुल सेम यहाँ पे कॉपी कर दिया है. इसका काम क्या है, वाई हैट भेजना. और पिछला वाला जो लेयर है, ये जो लेयर है, जस्ट गिव मी वन सेकेंड, आई विल ओपन वन नोट. सो ये जो लेयर है इसका आउटपुट ओ वन वन दे और इसका आउटपुट ओ वन टू भी दे. ठीक है, तो ये मुझे तीन चीजें देगा, वाई हैट देगा, ओ वन टू और ओ वन वन और ओ वन टू देगा. ठीक है, अब यहां पे देखो मेन चीज है, यहां पे अपडेट पैरामीटर्स इससे थोड़ा अलग है, यहां वाले अपडेट पैरामीटर से थोड़ा अलग है. यहां पे देखो, यहां पे ये टू टाइम्स सब कुछ था, यहां पे आप नोटिस करोगे करंट वाले के हिसाब से, सी करंट वाले के हिसाब से जो फॉर्मूले हमने यहां पे निकाले, जो फॉर्मूले हमने यहां पे निकाले इन फॉर्मूलेस के हिसाब से. एक बार आप क्या कर सकते हो, जाके चेक कर सकते हो. थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा बट खुद से करोगे तो समझ में आ जाएगा. बेसिकली मैंने इस फंक्शन को इन फॉर्मूलेस के हिसाब से चेंज कर दिया. ठीक है, और यही मेरा अपडेट पैरामीटर है. अब मैं आपको बैक प्रोपोगेशन लगा के दिखाता हूँ. मैं क्या करूंगा, पहला इपॉक जो है वो मैनुअली चला के दिखाता हूँ. मैं पहली बार में पहला स्टूडेंट निकाल रहा हूँ. सी यहाँ पे वैल्यू जीरो है, ये पहला स्टूडेंट है. जब मैंने पहला स्टूडेंट को रन किया तो उसके लिए लॉस आया 0.61 का. यहाँ पे मैं लॉस भी कैलकुलेट कर रहा हूँ. ठीक है, और ये उसका वेट्स में चेंजेस आए. देखो थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ है, 0.1 था, 0.1 से थोड़ा चेंज हुआ. बायस तो देखो काफी चेंज हुआ है. हाँ बायस देखो काफी चेंज हुआ है, काफी चेंज नहीं हुआ एक्चुअली, 10^-7 है तो 0 के आसपास ही है. फिर मैंने अगले स्टूडेंट को पकड़ा और उसको भेजा, फिर से रन किया, एंड यू वुड सी कि इस स्टूडेंट का लॉस थोड़ा कम आया और वेट थोड़ा सा और स्लाइटली चेंज हुआ. ठीक है, फिर मैंने थर्ड स्टूडेंट को भेजा यहाँ पे 2 डाल के, एंड यू वुड सी इसका लॉस थोड़ा ज्यादा आ रहा है. और वो ऑब्वियस भी बात है, यहाँ पे देखो थर्ड स्टूडेंट का CGPA और प्रोफाइल स्कोर अच्छा है बट उसका प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो यहाँ पे गलती कर रहा है हमारा मॉडल. यहाँ पे आते हैं, दिस इज द थर्ड स्टूडेंट. अब हम आए फोर्थ स्टूडेंट पे और इसके लिए हमने रन किया, एंड यू वुड सी कि लॉस अभी भी ज्यादा है. और लेकिन द आइडिया इज कि धीरे धीरे हमारा ये पूरा चीज चेंज हो रहा है. ठीक है, वेट्स हमारे चेंज हो रहे हैं. ठीक है, अब बस मैंने यहाँ पे क्या किया है, ईपॉक वाला इम्प्लीमेंटेशन लगाया है. सब कुछ कोड बिल्कुल पहले जैसा है, सब कुछ एकदम सेम है, नथिंग इज डिफरेंट, कुछ भी चेंज नहीं है, सब कुछ बिल्कुल सेम है. बस ये जो लॉस फंक्शन कैलकुलेट करने का चीज है ये अलग है, लाइक दिस. ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है. मैंने इसको काफी ईपॉक्स पे चलाया, अराउंड 550 ईपॉक्स पे चलाया, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने क्या नोटिस किया कि लॉस 0.69 से कम हो ही नहीं रहा है, यू कैन सी. अब इसका कुछ भी रीजन हो सकता है, डेटा कम है, इनिशियलाइजेशन टेक्निक में गड़बड़ है, लॉस आई एम सॉरी जो ऑप्टिमाइजर है उसमें कुछ गड़बड़ है, कुछ भी गड़बड़ हो सकता है, बट जो भी है दिस इज द आउटपुट. तो मुझे लगा कि क्या मैंने कुछ गलत किया है, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने केराज में सेम कोड लिखा. देखो केराज में बिल्कुल सेम कोड है, दिस इज द कोड. यहाँ पे मैंने सेम आर्किटेक्चर का न्यूरल नेटवर्क बनाया, यहाँ भी 9 ट्रेनेबल पैरामीटर्स थे. मैंने सारा गेट वेट्स किया, न्यू वेट्स मैंने सेट किए जो मेरे वेट्स होंगे, और अब न्यू वेट्स देखो ये हो गए हैं. अब मैंने यहाँ पे लर्निंग रेट वगैरह सब कुछ सेम सेट किया, लॉस फंक्शन बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी डाला, और जब मैंने यहाँ पे भी मॉडल को ट्रेन किया फॉर 50 epochs, देखो यहाँ पे ये भी 69 से आगे नहीं बढ़ रहा है. तो केराज भी somehow इस डेटा के ऊपर विथ 4 रोज कन्वर्ज नहीं कर पा रहा है, बट लॉस फंक्शन एग्जैक्टली सेम आ रहा है. इससे आई कैन से कि हम लोग सही कर रहे हैं. ठीक है, तो दिस इज द नोटबुक. अगेन आई वुड से कि एक बार ये नोटबुक उठाओ और खुद से चला के देखो, काफी पर्सपेक्टिव मिलेगा. ठीक है, तो इंटरनली केराज यही कर रहा है. सो आई होप आपको ये पूरी चीज समझ में आ गई. सो दैट वॉज द वीडियो गाइज, आई होप आपको वीडियो समझ में आया. मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि आप प्लीज़ कॉपी पेन लेके और अपने मशीन को लेकर के साथ में इस वीडियो को देखो, ताकि आप भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये जो इस वीडियो में मैंने पढ़ाया है ये प्रैक्टिस की चीज़ है. जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको और कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलता रहेगा. ठीक है,
अब बस एक वीडियो और बाकी है बैक प्रोपोगेशन में, जहाँ पे हम द वाई पार्ट पढ़ेंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, सो प्लीज़ वो ज़रूर देखना, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।